टोटल 2,546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कन्फर्म केसेस देश में 1,553 आए हैं, विच टेक द टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेज इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने COVID-19 मैनेजमेंट की तैयारियों की समीक्षा के तहत कल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा भी किया। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के एफर्ट की तारीफ की, कहा कि आज जो हमारा इंक्रीज रिकवरी रेट आ रहा है वह हमारी क्वालिटी ऑफ केयर को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान लाइफ में डिसिप्लिन लाने से हम लोग रिच डिविडेंड्स पा सकते हैं, जिससे हमें कोविड की लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के नेशन मेंबर्स फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर भी डिस्कस करते हैं। G20 के मेंबर नेशंस वर्ल्ड का 80% इकोनॉमिक आउटपुट, ग्लोबल पॉपुलेशन 2/3 और 3/4 जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के इशू पर डेलिब्रेट किया गया। माननीय मंत्री जी ने इन टेस्टिंग टाइम्स के दौरान सभी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत के कमिटमेंट को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत G20 के देशों के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डेवलपमेंट पर काम करना चाहेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसेज के कामकाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को एक गाइडलाइंस के द्वारा वायरस के स्प्रेड को रोकने में संबंधित प्रिकॉशनरी मेजर की सलाह दी है, जिसमें बताया गया है कि ऑफिशियल्स रीयूजेबल क्लोथ फेस कवर यूज करें, डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट फॉलो करें, फ्रीक्वेंटली सोप या पानी से हाथ धोएं या फिर हैंड रब या सैनिटाइजर को यूज करें और ऑफिशियल्स एक दूसरे के बीच में एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग को अवॉइड करना है। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, जिसका मतलब है कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है, उसको हम अलग अलग इंटरवल्स पर कैलकुलेट करते हैं और जिसके तहत हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इम्प्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में डबलिंग रेट 8.5 डेज है, कर्नाटका में 9.2 डेज है, तेलंगाना 9.4 डेज, आंध्र प्रदेश 10.6 डेज, जम्मू कश्मीर 11.5 डेज, पंजाब 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है, हरियाणा 21 डेज, हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज, चंडीगढ़ 25.4 डेज, असम 25.8 डेज, उत्तराखंड 26.6 डेज, लद्दाख 26.6 डेज। इसके साथ ही हमारी कुछ स्टेट इवन उनका 30 दिनों से भी ज़्यादा डबलिंग रेट, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका केस मैनेजमेंट में हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं, वह है उड़ीसा और केरला। मैं ये एक बहुत अच्छी हार्टनिंग न्यूज़ के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और राज्य और जिला स्तर पर जो हमारे कोविड के फील्ड वॉरियर्स काम कर रहे हैं इस विषय में, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इट इज़ हाउएवर वी वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि हम एक लड़ाई में हैं, हम एक बैटल में हैं और हम आराम नहीं कर सकते। एक भी दिन की हमारी विफलता या एक भी व्यक्ति की विफलता हमारे इस QA रिजल्ट को, परिणामों को नेगेट कर सकती है और इसलिए ज़रूरी है कि हम सारी गाइडलाइंस का यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करें। हमें कुछ और राज्यों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे गोवा के सभी पेशेंट्स को रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब गोवा में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि कल आप लोगों की दृष्टि में लाया था
माही और कोडगू इन दोनों जिलों में जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया था उसमें एक और जिला जुड़ गया है, वह है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। साथ ही टोटल 59 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है, जिसमें 6 नए जिले जुड़े हैं, वह है डूंगरपुर और पाली राजस्थान से, जामनगर मोरबी गुजरात से, नॉर्थ गोवा गोवा से, गोमती त्रिपुरा से। और इससे संबंधित हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फिर भी हमें हर तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरे देशों की तुलना में अगर भारत आज इस सिचुएशन को मैनेज करने में प्रयत्न कर रहा है, उसमें जो भी रिलेटिव सक्सेस मिली है उसका सबसे मुख्य कारण है कि इस लड़ाई में गवर्नमेंट के साथ साथ हर सिटीजन मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कोऑपरेशन और कम्युनिटी लीडरशिप हमारे मैनेजमेंट का एक मुख्य कारण रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के तहत देश का हर नागरिक इस लड़ाई में जुड़कर लड़ रहा है, फिर चाहे वह लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन हो या सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड बिहेवियर चेंज हो, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस से हम हेल्थ वर्कर्स का सहयोग करते रहें और हर तरीके से फील्ड स्थाई पर पेशेंट मैनेजमेंट पर फोकस कर हम मॉर्टैलिटी को अवॉइड करें, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। आज जब हम कुछ प्रांतों में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूर्णतः पालन करें ताकि जो कोविड के केसेस कुछ जिलों में कुछ राज्यों में कम हो रहे हैं वे और भी कम हो, और जो जिले ग्रीन जोन में चले गए हैं वहाँ पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जीरो केस की स्थिति में ही बने रहें। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, इसकी अब केवल एक ही वैक्सीन है जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट करती है, वह है सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इसीलिए फिर आप लोगों से विनती है, आपके द्वारा सबसे विनती है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के रूप में करता रहे और बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि हम इस लड़ाई से जीत सकें। 30 जर्नलिस्ट इन मुंबई टेस्टेड पॉजिटिव। Will the Ministry of Health and Family Welfare test all the journalists on ground? I think this is of concern to every one of you. Sir, it is important. We have already been highlighting multiple times. We have talked about it. Infection prevention management is a very important component of disease management. And what we are hearing about our journalists becoming positive is definitely very unfortunate news. We would request that kindly, when you are attending to your call of duty, follow the required precautions, follow the required social distancing norms, and also use face mask or face covers, so and besides keeping the distance. And as far as the sampling is concerned, sampling criteria is very clear, and as per that sampling criteria, anyone who need to be tested will be sampled. इसी तरह हमारी टीम्स जितने भी स्टेट्स में ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं तो उनके साथ भेजते हुए उनके साथ डिस्कस करते हुए कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए हम उस पर काम करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार इस पर डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास केसेस आते हैं तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो हम उसे क्लस्टर मानते हैं या मल्टीपल क्लस्टर यानी कि एक लार्ज आउटब्रेक के तहत ट्रीट करते हैं, और उन जो हमारे क्लस्टर या लार्ज आउटब्रेक के हिसाब से ट्रीट करते हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो स्टेट के साथ डिस्कस करके, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करके उसको कंटेनमेंट के एफर्ट्स किए जाते हैं। और जो इशू आपने बताया वाइल डॉक्टर गंगाधर साहब गंगा खेडकर साहब विल फर्दर दिस थिंग इन दैट, मैंने इससे भी पहले आपको बताया कि 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक नहीं होते, 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। और रही बात इसकी कि कैसे हम उन लोगों से बचें, तो इसमें इशू ये होता है कि जब आप एक केस को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं उसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, और उसके बेसिस पे साथ में उसके क्या जो डिजीज के सिम्टम्स हैं या उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यू कैन ऑलवेज मेक ए क्लिनिकल असेसमेंट कि आपको किसकी टेस्टिंग करनी है और किसको होम क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन सजेस्ट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इसमें सिर्फ दो लाइन ऐड करता हूँ जो लव अग्रवाल साहब ने आपको बताई। हर पॉजिटिव इंसान को हम आइसोलेट करने का तो बोलते हैं, सिम्टोमेटिक होगा एडमिट करना है तो एडमिट करने की बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। कोई इन्फेक्शियस डिसीज जो रेस्पिरेटरी मोड में का है, अगर ट्रांसमिशन होने का चांस है तो उसको अलग से करो। लेकिन जब हमको एसिम्प्टोमेटिक लोग दिखते हैं तो हमको दूसरा रास्ता क्या होएगा, सब लोगों को
जो उसके कांटेक्ट होंगे उनको या तो हम होम बेस्ड आइसोलेशन करें, नहीं हमको अगर पूरे लोग मालूम नहीं हैं तो हम जैसे आज हम बोल रहे हैं हर इंसान को बोलें कि आप फिजिकल डिस्टेंस सेफ रखो, जहाँ तक हो सके लॉकडाउन पालो। इसमें क्या एक अंदाज़ आ रहा है कि जो भी होगा, सिम्टोमेटिक होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, वो एक दूसरे से वो इतने नज़दीक नहीं आए जिससे ये ट्रांसमिशन हो पाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।